इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने MI अकाउंट से कोई डॉक्यूमेंट उसको स्कैन करने लगे तो हमें कहां कहां पर जाना होगा और कैसे कर सकते हैं, ये भी हम बात करने वाले हैं। स्कैनिंग करने लग गए कुछ QR कोड वगैरह को तो कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिलता है MI अकाउंट। MI अकाउंट खोलने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर सबसे कोने पर स्कैनिंग का सा आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको चेंज करने का ऑप्शंस आ जाएगा। पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भी आप उठा सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।